कई चीजों का इस्तेमाल काम करते हैं। एक तो ये काम हम करते हैं और दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, आप सारे एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड और अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करें कि हमें कहाँ तक जो है ये इमिशंस करने हैं, गैसेस के कौन कौन सी गैसेस के, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के इमिशन हमें कितने करने हैं, ये स्टैंडर्ड जब हम बना लेंगे तो हम किस सिचुएशन के ऊपर काबू पा सकते हैं, हम अपनी बिल्डिंग्स को बचा सकते हैं, हम अपनी सेहत बचा सकते हैं, हम जो है वो अपने गिर गिर जो जुलाई है चाहे वो समुद्री हयात या हो चाहे वो गिर गिर के पौधे हो, हमारे सब्जी वेजिटेशन इस तरह सभी चीज़ें हो, फूल वगैरह इन सबको हम बचा सकते हैं अगर हम एक एरिया की तदाबीर पर अमल करेंगे तो। इन द यूएस द क्लीन एयर एक्ट ऑफ 1990 टारगेटेड एसिड रेन, आपको पता है जब कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उसके लिए लेजिस्लेशन बैठ जाती हैं और फिर वो फैसले करना शुरू करती हैं, फिर वो एक छोटे किसी जगह का एक छोटे मकान का मसला नहीं रहता और फिर वो बड़े माशरे का मसला बन जाता है, और जब वो बड़ा मसला बनता है बड़े माशरे का मसला बनता है तो फिर उसके लिए बड़े बड़े फोरम्स बड़ी बड़ी समिट्स और इस पसंद की चीज़ें जो है वो आती हैं। इसी तरह से ये एक्ट जो है लेजिस्लेशन होती हैं और फिर उसके ऊपर एक्ट पास होते हैं जो असेंबली में पास करवाए जाते हैं। ये एक्ट बना था द क्लीन एयर एक्ट ऑफ 1990 में ये एक्ट बना टारगेटेड एसिड रेन, जिसमें एसिड रेन को टारगेट किया गया, पुटिंग इन प्लेस पोल्यूशन लिमिट दैट हैज कट सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन 88% बिटवीन 1990 एंड 2000। और इसमें ये कह रहे हैं कि इसको 88% तक कट किया गया, किसको कट किया, जो ये दोनों गैसेस थी इनके एमिशन को, यानी खारिज हो रही थी उनकी इंडस्ट्री से, खारिज कर रहे थे, ये दावा है इनका कि इन्होंने 88% उस पर कंट्रोल हासिल किया, कौन से पीरियड में 1990 से लेकर 2017 तक, इनका ये दावा है कि इन्होंने इस्तेमाल किया और इन्होंने ये चीज़ें जो है इन पर कंट्रोल किया। एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैव आल्सो ड्राइवन यूएस एमिशंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डाउन टू 50%। और एयर क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने रखा रखे अपने माशरे के लिए अपने यूएस ने, तो उसमें जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की इमिशन थी उसमें उन्होंने कहा है कि हमने 50% इन द सेम टाइम पीरियड हमने अब पाया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। पहले उन्होंने कहा था कि हमने सल्फर डाइऑक्साइड की और दूसरी बात उन्होंने कही कि हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे 50% काबू पा लिया, और कौन सी पे सल्फर डाइऑक्साइड पे कितने परसेंट, 88% काबू पाया। और इस तरह इंटरनेशनली कोई चीज़ अगर दिखाना चाहते हैं तो उसमें
अलाउ और समुद्र में इस तरह डालना होता है, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बड़ी मछलियाँ भी होती हैं या फिर समुद्र के अंदर, जैसे अभी बताया कि कुछ ना कुछ केमिकल जो है प्रोसेस होता रहता है, तो उसकी वजह से वो बढ़ जाते थे या टूट जाते थे, जिस वजह से किसी मछली ने किसी जानवर ने चबा लिया तो भी ऐसा हुआ, तो वो रबड़ टूट जाता था। अब अगर कॉल बुक भी कराई हुई है, फर्स्ट ऑफ पहले कॉल बुकिंग कराते थे पहले, यानी अगर कराची से बात करनी है लंदन में तो कॉल बुक करवाई जाती थी इतने घंटे पहले, अगर आज मैंने बात करनी है रात में तो फिर सुबह मुझे कॉल बुक करवानी होगी, तो रात में मैं किसी अपने रिलेटिव से जो मेरे लंदन में रहते हैं या कुछ इस तरह का होता है उनसे मैं बात करूँगी, इस तरह का सिस्टम था। और ये सब जो सिस्टम था ये तारों के जरिए से था, कि तार जो थे वो समुद्रों के जरिए से जाते थे बड़े बड़े उनके अंदर, और फिर उसमें जब नुकसान होता था कोई लाइन टूट गई कुछ इस तरह का हो गया तो फिर रास्ता ही नहीं पाता था, तो उस तरह की मुश्किल बहुत थी। अब जब से सैटेलाइट्स आई तो ये चीज़ हल हो गई, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और अब जो सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन पर्पजेज के लिए आप यूज़ करते हैं, तो सैटेलाइट जो आपकी छोड़ी हुई है वो तीन मदारों में छोड़ी गई, यानी ऑर्बिट्स जो ऑर्बिट्स हैं वो तीन ऑर्बिट्स में छोड़ी हुई है, एक जो बिल्कुल हमारी अर्थ के करीब वाला ऑर्बिट है, बिल्कुल नजदीक वाला, दूसरा जो है वो दरमियानी ऑर्बिट कहलाता है, जो करीब वाला है वो तो आपको जाहिर है करीब से ही समझ में आ रहा है कि उसमें क्या होंगे स्कैनर्स लगे होंगे, यानी अर्थ का जो मौसम वगैरह जो तरह तरह की चीज़ें स्कैन करने के लिए इमेजेस लेने के लिए, जो पिक्चर्स करीब से खींची जाती हैं और पता किया जाता है, तो उसके लिए वो वाले जो सबसे करीब वाले जो सैटेलाइट्स हैं वो ये काम करते हैं। अच्छा, जो दरमियानी वाले मिडिल वाले जो ऑर्बिट में जो है वो से थोड़ा फासले के ऊपर जो है वो और ये एल्टीट्यूड वाइज होती हैं, अल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, पता है ना, ये पहले ऑर्बिट से अगर हम हटाएंगे और उसके ऊपर चले जाते हैं हम तो दूसरा ऑर्बिट आ जाएगा धूम की तरफ ज़रा सा, तो वो जो है वो कहलाएगा नेविगेशन के लिए समझ नहीं, आपके जी पी एस सिस्टम वगैरह ये हैं या फिर जहाज चल रहे हैं पानी के अंदर या एयरप्लेन चल रहे हैं आपके, तो नेविगेशन के लिए बहुत फ्रूटफुल होती है वो वाली जो बीच वाली है। और सबसे दूर वाली जो सैटेलाइट है जो सबसे दूर होती है आपकी ऑर्बिट में वो कम्युनिकेशन पर्पजेस के लिए यूज होती है, जितनी सैटेलाइट दूर होगी यहाँ से आप देखेंगे जो वो वहाँ रिसीव करेगी, उसके अंदर रिसीवर्स भी होते हैं लगे हुए, और उसके अंदर क्या होता है उसकी बॉडी में क्या क्या होता है, सोलर पैनल्स होते हैं, बैटरीज होती हैं, अगर बैटरीज नहीं है तो सोलर पैनल्स होंगे, सोलर पैनल्स क्या करते हैं अपने अंदर सारी एनर्जी जब सूरज निकला होता है तो वो अपने अंदर सारी एनर्जी ले लेते हैं, और फिर जब सूरज नहीं होता तभी वो इस तरह उसको वर्किंग कंडीशन में लाते रहते हैं बगैर बैटरी के, तो वो बैटरी से काम करते हैं। सोलर पैनल अक्सर देखा होगा आपने जो सैटेलाइट होते हैं उनके अंदर ढेर सारे सोलर पैनल्स पंखे की तरह करके लगे होते हैं, तो वो जो है वो सोलर पैनल्स हो गया, वो ये काम कर रहे होते हैं। अब इसकी वजह से जब आप यहाँ से सिग्नल देखते हैं, आपने सिग्नल देखा कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए, आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट में रिसीवर भी लगे हैं, उन्होंने रिसीव किया, और फिर ज़मीन पर भी कुछ रिसीविंग स्टेशन हैं दूसरे जगह पे, मतलब मैं कराची से पे कर रही हूँ तो कराची से उसने कैच किया, और लंदन में जो है वहाँ के ऊपर भी रिसीविंग सिस्टम लगे हैं, तो वो वहाँ से अब उसने फेंका, उसने जो है वहाँ फेंका कहाँ जहाँ रिसीविंग सिस्टम लगे हैं, जिसने रिसीव कर लिया लंदन में रिसीविंग सिस्टम लगे हैं, लंदन में उसने रिसीव कर लिया, और इस तरह से कम्युनिकेशन पॉसिबल हो गई। तो ये कम्युनिकेशन होती है जो सबसे दूर वाले ऑर्बिट में जो सैटेलाइट दाखिल होती है, इसके बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे अलग अलग। सच एज डीएनए टीवी सिग्नल्स एंड फोन कॉल्स अराउंड द वर्ल्ड, द ग्रुप ऑफ मोर देन 20 सैटेलाइट्स मेक अप द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और जीपीएस। अब आपको ये पता चला कि तकरीबन ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम आपका जीपीएस सिस्टम बता रही है, इफ यू हैव अ जीपीएस रिसीवर दैट सैटेलाइट्स कैन हेल्प फिगर आउट योर एग्जैक्ट लोकेशन। अब आपकी जीपीएस सिस्टम अगर आपके पास है तो फिर क्या होगा कि आपको अपनी पोजीशन सही तौर पे पता चल जाएगी, कैसे पता चलेगी, आप खड़े हुए यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट है ये ए, आप पूछ रहे हैं कि आपकी पोजीशन क्या है, तो और क्या हुआ कि यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, आपने कहा कि मेरी पोजीशन जो है ये फर्स कर लो R1 और ये है R2, यदि R2 से 5 सेंटीमीटर के फासले पर, मैं R2 से 5 सेंटीमीटर के फासले पर मत हूँ, लेकिन आपको पता चलेगा कि R1 से जो R2 का 5 सेंटीमीटर से वो तो काफ़ी सारा यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा रेडियस बन जाएगा और ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा, अभी आपकी पोजीशन वाजे नहीं। अब क्या हुआ कि आप कहते हैं चलो ऐसा नहीं, मैं R1 से 5 सेंटीमीटर हूँ और R3 तो आपको फासला है वो 7 सेंटीमीटर का है और आर
एक और आपने कहा कि R3 से जो हूँ मैं इतने फासले पर हूँ, अब R3 से जो है एक और पोजीशन मैंने रिपोर्ट कर लो, ये कैंसिल कर दीजिए। अब जो है पोजीशन काफ़ी क्लियर हो जाएगी आपकी कि कम से कम 3 सिग्नल्स आपको चाहिए होते हैं कि कोई 3 सैटेलाइट डिफरेंट तरीके से आपका जो GPS सिस्टम जो आपके पास किया है ना मोबाइल, तो कोई सी 3 जो अगर सैटेलाइट्स हैं वो आपका GPS सिस्टम जो है उससे रब्ता हो जाता है उनका, तो फिर आपकी करेक्ट लोकेशन पता चल जाती है कि आप नाजमाबाद के फलाने इलाकों में मौजूद हैं या आप यहाँ लेफ्टन में मौजूद हैं या यहाँ पे भी आप मौजूद हैं, तो वो आपकी पोजिशन डिक्लेयर हो जाती है इस तरीके से। तो कम से कम उसके लिए 3 सैटेलाइट दरकार होती है GPS सिस्टम में आपकी पोजिशन वाजे करें, वो आप हम आगे भी पढ़ेंगे तो और आपको पता चलेगा इफ़ यू हैव अ GPS रिसीवर और ज़्यादा से ज़्यादा फोन और जितनी ज़्यादा से आपका रब्ता हो जाएगा तो आपकी पोजिशन इतनी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि आपको ये फासला है ना समझो कि 8 सेंटीमीटर के फासले से आपको पोजिशन जो है वो सही पता चलेगी, इतनी पावरफुल जो है GPS सिस्टम है। इफ यू हैव अ GPS रिसीवर दी सैटेलाइट कैन हेल्प फिगर आउट योर एग्जैक्ट लोकेशन, और इस तरह से 3 जगह से आपको जो है वो करेक्ट पोजिशन जो है बंदे की वो पता चल जाएगी कि पोजिशन जो है वो यहाँ पे थी, उसकी पोजिशन यहाँ पे थी या यहाँ पे थी, तो वो 3 तरफ से जो इसका फासला है वो पता चल जाएगा। मैं बार बार और गूगल मैप जो है वो तो जो आपकी अमेरिका ने जो ली हुई है, इसके अलावा आपकी जो दूसरी कंट्रीज हैं उन्होंने भी अपनी अपनी जो GPS सिस्टम के तरीके पे जो है वो लॉन्च कर दी है। उसमें रशिया है, रशिया ने भी एक और किया हुआ जी से कोई नाम है उसका, और इसी तरह से एक और पोजिशनिंग सिस्टम जो है वो इंडिया में भी लॉन्च किया है 7 सैटेलाइट्स वॉक, और जो अमेरिका ने जो लॉन्च किया है उसमें 72 सैटेलाइट जो है वो मौजूद है। तो ये बात इसके ऊपर और सर्च करने की ज़रूरत है कि इतनी इतनी बहुत ज़्यादा सैटेलाइट जो है वो मौजूद हो चुके हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट काम लिए जा रहे हैं। तो GPS के हवाले से ये बात है, GPS रिसीवर दी सैटेलाइट्स कैन हेल्प फिगर आउट योर एग्जैक्ट लोकेशन। व्हाट आर सैटेलाइट्स, व्हाई आर सैटेलाइट्स इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट टू माय सैटेलाइट्स। अब ये देखिए इनकी इंपॉर्टेंस अगर आपके पास रखने के लिए आ जाए तो द बर्ड्स आई व्यू द सैटेलाइट अलाउज देम टू सी लार्ज एरियाज ऑफ अर्थ एट वन टाइम। अब अगर आप अर्थ के ऊपर चल रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल होता है उधर की चीज़ देखनी, लेकिन आप जब बर्ड आई व्यू जब आप ऊपर हवा में होते हैं तो अर्थ की बहुत सारी चीज़ें, मतलब इसी तरह से अगर सैटेलाइट से अर्थ को मुशाहदा कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा एरियाज जो है वो कवर किए जा सकते हैं, उनकी पिक्चर दी जा सकती है, मौसमों के बारे में जाना जा सकता है, जमीन के बारे में जाना जा सकता है, नॉलेज ली जा सकती है। तो बर्ड आई व्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट सैटेलाइट फ्रॉम अलाउ कैन टू सी लार्ज एरियाज ऑफ अर्थ एट वन टाइम। दिस एबिलिटी मींस सैटेलाइट्स कैन कलेक्ट मोर डेटा एंड मोर क्विकली दैन इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द ग्राउंड। सैटेलाइट ऑल्सो कैन सी इन टू स्पेस बेटर देन टेलीस्कोप। अच्छा ये तो हुआ अंदर का, अब बाहर का भी जो पहले टेलीस्कोप बनाते थे और बाहर का मुशाहदा किया करते थे तो उसके लिए भी अब सैटेलाइट बहुत अच्छा जरिया हो गई, और बाहर यूनिवर्स में क्या क्या हो रहा है वो भी आपको पता चल रहा होता है। दैट्स बिकॉज सैटेलाइट्स फ्लाई अबव द क्लाउड्स डस्ट एंड मॉलिक्यूल्स। पहले जो थे वो कभी बादल आ जाता था बीच में, अब टेलीस्कोप से मुशाहदा कर रहे हैं, कभी कोई चीज़ आ गई डस्ट पार्टिकल्स आ गए तो वो उसमें प्रॉब्लम होती थी। अब सैटेलाइट के थ्रू ये काम और आसान हो गया, ये तमाम चीज़ों से क्योंकि ये ऊपर होती है डस्ट एंड मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर दैट कैन ब्लॉक द व्यू फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, तो अब जो है वो मुशाहदा करना आसान हो गया बाहर की तमाम चीज़ों का। बिफोर सैटेलाइट टीवी सिग्नल्स डिडंट गो वेरी फार, मैंने बताया कि पहले जो टीवी केबल सिस्टम हुआ करता था और वो चलते थे ग्राउंड टू ग्राउंड चला करते थे और उसमें बहुत सारे हर्डल्स आ जाए करते थे बीच में, तो अब जो जब ये सैटेलाइट की शुरू हुआ ये बहुत ईजी हो गया। सो दे वुड क्विकली ट्रेवल ऑफ इनटू स्पेस इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग अर्थ, समटाइम्स माउंटेंस और टॉल बिल्डिंग्स वुड ब्लॉक देम। फोन कॉल्स फार अवे प्लेसेज वर ऑल्सो प्रॉब्लम, सेटिंग अप टेलीफोन वायर्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज और अंडर वाटर इज डिफिकल्ट एंड कॉस्ट फॉर लॉन्ग। बता चुकी हूँ पानी के अंदर बड़े बड़े केबल्स डाले जाते थे, बहुत मोटे मोटे होते थे, फिर वो गल जाते थे से, या फिर उनके जो कॉपर वायर्स होते थे वो टूट जाते थे, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती थी। तो विद सैटेलाइट टीवी सिग्नल्स एंड फोन कॉल्स आर सेंड अपवर्ड्स टू अ सैटेलाइट एंड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, तकरीबन पूरा बना बनाया आपके पास जो है वो पिक्चर या आपकी जो वॉइस वीडियो पूरी, और इस तरह से जो है वो ट्रांसफर हो जाती है सैटेलाइट की वजह से।
सेटेलाइट कैन सेंड देम बैक डाउन टू डिफरेंट लोकेशंस ऑफ अर्थ, और इसी तरह से उसमें भी रिसीवर सिस्टम भी होता है और जो भेजने का सिस्टम होता है वो भी होता है, दोनों सिस्टम चलते होते हैं। वो वहाँ के ऊपर देखती हैं लहरें और नीचे के रिसीवर जो दूसरे स्टेशन होते हैं रिसीव करने वाले रिसीविंग स्टेशन वहाँ पर रिसीव हो जाती हैं और आप तक बात जो है कम्युनिकेशन इजी हो जाती है, चाहे वो टीवी चैनल्स की शक्ल में हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स की शक्ल में हो, चाहे वो कम्युनिकेशन की शक्ल में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में आप बैठे हैं और आपका कहना चाह रहे हैं अपने दूसरे काम से तो किसी दूसरे कंट्री में मौजूद है, तो इस तरह की चीज़ जो है वो करना आसान हो गई, कम्युनिकेशन आसान हो गई। Then almost instantly the satellite can send them back down to different locations on Earth. What are the parts of a satellite? अब इसके parts क्या क्या है ये सवाल भी आया हुआ है, तो ज़्यादातर मैंने पैटर्न लगाई है वही चीज़ें हैं जो सवाल में पूछी गई हैं। कौन कौन से parts होते हैं उसके? जनाब satellites का मैं मैनी shapes and sizes, अब तो ये बहुत सारी shapes और sizes हो गई। जब मैं आपकी ये वीडियो बना रही थी और ये PDF जब मैं क्रिएट कर रही थी बना रही थी तो मुझे images चाहिए थे satellites, मैंने सैटेलाइट्स के इमेजेस देखे तो मुझे ये देख के बड़ी ही हैरत हुई कि सैटेलाइट्स इस तरह से बिक रही है, यानी ये मुझे पता चला कि मैं सैटेलाइट के बाजार में पहुंची और सैटेलाइट इस तरह बिक रही है जिस तरह आपके वहाँ दाल और चावल बिकता है ना, इस तरह से सैटेलाइट जो है वो मार्केट में अवेलेबल है और वो कह रहे हैं कि हमारी जो सैटेलाइट अगर आप खरीदेंगे तो इसमें जो है वो हम ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेंगे, इसमें ये चीज़ें हैं और सारे जिस तरह आप खरीदने के लिए या कोई भी गाड़ी मिसल होंडा या होंडा नहीं चाहिए मुझे, फलानी चाहिए सिविक चाहिए जो मुझे वो सिविक में भी मुझे वो वाली चाहिए तो सिविक में भी बहुत अच्छे ही और वो खाना दूसरी वाली जो है वो चाहिए, तो मतलब इस तरह की सैटेलाइट के अंदर वेराइटी जो है वो मौजूद है। सैटेलाइट एक छोटे से डिब्बे से लेकर और वो जो है बहुत बड़े एकदम के बराबर जो है इतनी भी हो सकती है, तो सैटेलाइट का साइज जो है वो भी डिफरेंट हो सकता है, सैटेलाइट की वो भी डिफरेंट हो सकती है कंडीशन की सैटेलाइट के काम। अभी जैसे मैंने बताया कि सैटेलाइट जो सबसे करीब वाले उसमें स्कैनर ज़्यादा चाहिए क्योंकि वो स्कैन करने के पर्पज से ज़्यादा होगी कि फलाना एरिया हमें स्कैन करना है, मतलब फलाने एरिया की हमें पिक्चर ज़्यादा चाहिए तो हमें उसके बारे में मालूम नहीं है। अच्छा जो करीब वाली सैटेलाइट होती है बहुत जल्दी अपना जो चक्कर है वो कम्प्लीट कर लेती है, बहुत फास्ट इनको घुमाया जाता है, अगर हम फास्ट नहीं घुमाएंगे तो क्या होगा दर से आगे वो ज़मीन में गिर जाएंगी, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसको स्पीड देखें, तो सबसे फास्ट वाले जो सबसे करीब वाला जो ऑर्बिट होता है उसमें हमें उनको स्पीड दे के रखनी पड़ती है और उनका जो है वो तकरीबन डेढ़ घंटे एक चक्कर कम्प्लीट हो जाता है, पूरी अर्थ के गेट जो डेढ़ घंटे में उनका एक चक्कर जो है वो कम्प्लीट होता है, ठीक है डेढ़ घंटे तकरीबन, और इसका मतलब है कि वो दुनिया के लिए गेट से यानी हमारी अर्थ के गेट तेजी से मूव कर रही है और अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट इलाकों की पोजिशन ले रही है, स्कैन कर रही है और उनके बारे में हमें मालूम फराहम कर रही है। इसमें जो सेकंड वाला है जो ऑर्बिट उसमें हमें थोड़ा सा उससे कम स्पीड पे हमें उसको मूव कराना होता है ऑर्बिट को, और ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं ये बिल्कुल इस तरह होती है जिस स्पीड से अर्थ रिवॉल्व कर रही है, यानी ये इतनी स्लो होती है अर्थ को 24 घंटे में पूरा इतना करेगी, जो मिड वाली है वो 12 घंटे की होती है, यानी दिन में एक मरतबा दो मरतबा वो एक पॉइंट से गुजरेंगी, दिन में एक मरतबा 12 घंटे का चक्कर हुआ फिर 12 दूसरे को 24 घंटे यानी दिन में दो चक्कर होते रहते हैं, मिड वाली जो सैटेलाइट है जो मिड ऑर्बिट में छोड़ी गई अगर आपकी गेटिंग वाइज जो जमीन कशिश कर रही है ना जो जमीन उठेंगे अपनी तरफ जो जमीन की ग्रेविटी है जो ग्रेविटी की फोर्स वजह से फेंक रही है, और इसी तरह से मिड वाले में हमें उस तरह की स्पीड रखनी पड़ेगी, और जो सबसे दूर वाले हैं उनको अर्थ के साथ ही मूव कराना होगा तो वो अर्थ के ऊपर उसी तरह रहेगी जिस तरह अर्थ घूमती रहेगी वो भी उसी के साथ साथ जो है वो घूमती रहेगी मूव करती रहेगी, ये हो गई कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब यहाँ थोड़ा सा देखते लेते हैं बट मोस्ट हैव एटलीस्ट टू पार्ट्स इन कॉमन एन एंटीना एंड अ पावर सोर्स, ये दो चीज़ें तो लाजमी हर सैटेलाइट में होती है, एक एंटीना होगा सारी बात सिस्टम होता है एंड अब पावर सोर्स का कोई ना कोई पावर सोर्स होता है तो वो पावर सोर्स बैटरीज होते हैं, लेकिन बैटरीज आपको पता है इतनी चलती नहीं है तो वो अमूमन क्या होते हैं सोलर पैनल भी होते हैं, ज़्यादातर सैटेलाइट में आपने देखा है कि वो सोलर पैनल से खुल जाते हैं, पंप जो है इस तरह से खुले के होते हैं उसके तो वो जो है वो सोलर पैनल जो है वो पार कह रहे हैं आप या ये चीज़ें कह रहे हैं कि इस तरह से वो खुल जाते हैं, सोलर पैनल उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं जब सूरज जल रोशन होता है तो फिर वो उसको प्रोवाइड करते हैं, सोलर पैनल्स मेक पावर बाय टर्निंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी और वो उसको इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करते रहते हैं और इस तरह से आप जो है वो सैटेलाइट को देखते हैं
ایک ملک کی کمپنی ہے. اسی طرح سے ڈفرینٹ ڈفرینٹ ممالک کی ڈفرینٹ ڈفرینٹ کمپنیز ہیں, جس میں میں نے بتایا رشیا, چائنا اور انڈیا. یہ ساری کنٹریز جو ہیں, یعنی ہمارا پڑوسی ملک جو ہے انڈیا, یہ سب کنٹریز جو ہیں انہوں نے کافی کافی ساری سیٹلائٹ جو ہیں وہ باہر بھیجی ہوئی ہیں, اور ان کا جو پورا جھومٹ ہوتا ہے ایک کنٹری کا کسی کا بھی, وہ کیا کہلاتا ہے, کانسٹیلیشن کہلاتا ہے. پورے کا پورا جھومٹ, جس طرح ہم کہتے ہیں ستاروں کا ایک جھومٹ ہے, اس طرح پوری جو سیٹلائٹ ہیں ان کا پورا ایک جھومٹ ہوتا ہے, اور وہ پورا جو جھومٹ ہے وہ کانسٹیلیشن کہلاتا ہے. وہ کبھی جو ہے 32 جو ہے آپ کی یہ ہوتی ہیں, پورے جھومٹ میں شامل کیا جاتا ہے, 32 سیٹلائٹس ہوتی ہیں, کبھی وہ 24 ہوتی ہیں, کبھی کتنی ہوتی ہیں. جیسے 7 میں نے بتایا انڈیا 7 کمیونیکیشن سائٹس کا ذکر اس کا جو اپنا یہ کر رہے ہیں, اس کا نام بھی ای بیک کر کے کچھ نام ہے, پتا نہیں جی پی ایس انڈیا, انہوں نے اپنا نام الگ الگ دیتے ہیں نا سب, تو انہوں نے اپنا نام الگ سے کچھ کیا ہے. تو بہرحال وہ 7 جو سیٹلائٹس ہیں ان کو پورا کانسٹیلیشن ہے. تو نیڈ فور دا سیٹلائٹ کمیونیکیشن, آپ سیٹلائٹ کمیونیکیشن کی نیڈ کیا تھی, تو پیشہ نو نو دیٹ دے آر ڈفرنٹ ویز ٹو کمیونیکیٹ ان دا پروپیگیشن آف دیز ویوز کین ٹیک پلیس ان ڈفرنٹ ویز. گراؤنڈ وے پروپیگیشن اینڈ اسکائی وے پروپیگیشن آر ٹو ویز ان وچ کمیونیکیشن ٹو پلیس فار ا سرٹن ڈسٹینس. دا میکسیمم ڈسٹینس کورڈ بائی دیم از 1500 کلومیٹر اینڈ دس واز اوورکم بائی انٹروڈکشن آف سیٹلائٹ کمیونیکیشن. زمین کے اوپر جب ہم بات کرتے تھے تو اس میں زیادہ سے زیادہ جو فاصلہ تھا وہ 1500 کلومیٹر ہونا لازمی ہوتا تھا. ابھی جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے. آپ زمین کے کسی کونے میں موجود ہوں, آپ دوسری جگہ سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ سب کسی کسی وجہ سے پاسبل ہوا, کمیونیکیشن سیٹلائٹس کی وجہ سے. ہاؤ سیٹلائٹ کمیونیکیشن ورکس, اب یہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن جو ہے یہ ورک کیسے کرے گا یہ دیکھ لیجیے. The communication satellite are similar to space mirrors. ये बिल्कुल space mirrors की तरह काम करते हैं, यानी that help us in bouncing the signals such as radio, internet data and television from one side of the earth to another. यानी समझो मेरा लगा हुआ है, वहाँ से आप एक तरफ से सिग्नल उसको दे रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट होके दूसरी तरफ जा रहा है. ये बिल्कुल इस तरह से काम कर रही होती communication satellites. तो there are three stages that are involved in explaining the working of satellite communication. These are uplink. Uplink का मतलब आपने ऊपर से सिग्नल भेजा है, ठीक है. और दूसरा इसका होगा ट्रांसपॉन्डर, वहाँ के ऊपर सेटेलाइट अपने पास कैरी कर रही है वो सिग्नल, और वहाँ से उसको जो कुछ करना है डेटा कलेक्ट करके मुझे उसको कहाँ भेजना है, मुझे क्या करना है, मुझे किधर जाना है, मुझे ये सब करना है, वो किया उसने अपना, तो वो सब ट्रांसपॉन्ड हो रहा है. और उसके बाद डाउनलिंक, यानी जिधर फेंकना था उसको उस वाले स्टेशन की तरफ उसने उसको फेंक दिया. तो ये वाला जो ये तीन स्टेप्स में ये प्रोसेस होगा, ये आपका कम्युनिकेशन इस तरह से पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है. लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ सिग्नल फ्रॉम अ टेलीविजन. टेलीविजन की एग्जांपल अगर हम दें, इन द फर्स्ट स्टेज द सिग्नल फ्रॉम टेलीविजन ब्रॉडकास्ट ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ इज फर्स्ट मीट अप टू द सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन ऑन द अर्थ. दिस प्रोसेस इज नोन एज अपलिंक. अभी कोई एक जगह के ऊपर प्रोग्राम चल रहा है, वो आपने नशी करनी है डायरेक्ट उसके सैटेलाइट के ऊपर आपको सिग्नल देंगे, और ये अपलिंक कहलाएगा. सबसे पहला प्रोसेस होगा. इसके बाद क्या होगा, द सेकेंड स्टेज इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मर्स सच एज रेडियो रिसीवर्स. अब आगे पर रिसीव होनी शुरू होंगी आपके जो सिग्नल हैं वहाँ पर, एम्पलीफायर्स एंड ट्रांसमीटर्स. ट्रांसमीटर जो है वो उसको ट्रांसमिट करेंगे. दीज ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज फॉर बूस्टिंग द इनकमिंग सिग्नल एंड टू चेंज देयर फ्रीक्वेंसी सो दैट द आउटगोइंग सिग्नल्स आर नॉट. और इस तरह से उनकी ट्रांसमिटिंग जो है वो चेंज होगी, कि वो जो है वो जिस जगह पहुंचानी है और जिस कंडीशन में पहुंचानी है उस वो तमाम चीज़ें उस जगह पे ट्रांसपॉन्डर्स के अंदर ये तमाम चीज़ें सेट होंगी, डिपेंडिंग ऑन द इनकमिंग सिग्नल सोर्सेज एंड ट्रांसपॉन्डर्स वैल. अब ये इनकमिंग सिग्नल जो फेंके जा रहे होते हैं उसके ऊपर उसके मुताबिक होता है, वैरी करता है कि यानी सिग्नल जो है वो कैसा फेंका गया. उसमें रेडियो वेव थी खाली उनके ऊपर बात करनी थी, या फिर उसके अंदर रेडियो वेव थी, तो फिर उसके सिग्नल जो है वो वैरी करते हैं, यानी मुख्तलिफ होते हैं उसी रेंज के, फिर उसी रेंज का सिग्नल जो है वहाँ से उसी जगह पे देखना होता है. द फाइनल स्टेज इन्वॉल्व द डाउनलिंक इन विच द डेटा इज सेंट टू द अदर एंड ऑफ द रिसीवर ऑन द अदर. इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट यूजुअली देयर इज वन अपलिंक एंड मल्टीपल डाउनलिंक. ठीक है, अब व्हाई डोंट सैटेलाइट क्रैश इनटू ईच अदर. अब ऐसा क्यों नहीं होता कि सैटेलाइट आपस में टकरा जाए. तो आपको बड़ी मजेदार चीज इसके अंदर एक और
डायलॉग्स वन थी, ये भी भेजी गई थी वहां के ऊपर, और इसने पहली जो फर्स्ट टीवी पिक्चर थी वो वहां से आई थी। दीज पिक्चर्स डिड नॉट शो मच डिटेल, ज्यादा डिटेल नहीं थी, बट दे डिड शो द पोटेंशियल सैटेलाइट्स एट व्हिच हाउ पीपल व्यू अर्थ एंड स्पेस। और अब इससे लोगों के जो सोचने की सलाहियत थी वो भी स्पेस के मुताबिक इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाउड्स, ओशन्स, लैंड, स्काई, सी, गॉड्स ऑफ गैसेस,
lower orbit, which extends from about 162,000 kilometers, about 1,250 miles. This is the zone where the ISS orbits and where the space shuttle used to do its work. In fact, all human missions except for the Apollo flights, the moon took place is in this zone. Rather than the zone, okay, you know, flying satellites, low orbit to the satellites. In fact, all human missions except for Apollo flights to the moon took place in this zone. No satellites also work in this zone. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जियो स्टेशनरी के बारे में आपको बताया जा रहा है कि जियो स्टेशनरी दरअसल वो वाली जो टाइम है, वो वाला जो जोन है सैटेलाइट का, कि जब स्टेशन सैटेलाइट होती है सबसे लास्ट बार, तो एक होता है खाली बिल्कुल और एक सबसे लास्ट। अब मैंने क्या बताया था, जो सबसे तभी वाला है वो स्कैनर है, जो बिग वाला है इसलिए ये जो जीपीएस वाला सिस्टम का भी यानी नेविगेशन नेविगेशन किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो जो है जहाज आपके पानी में जो जहाज से वो वाले हो, चाहे जो है वो आपके ये वाले जो जी पी एस और तरीन वगैरह और ये वाले जो वाली जो सिस्टम है ना आपके ये वाला सिस्टम हो, तो ये नेविगेशन के लिए यूज होता है कौन सा बिग वाले चल रहे हैं। और जो सबसे दूर वाले हैं वो कम्युनिकेशन होगी और वो जियो स्टेशनरी कहलाती है या जियो सिंक्रोनियस ऑर्बिट कहलाता है। इज द बेस्ट स्पॉट फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टू यूज ऑन द वर्ल्ड। दिस इज अ जोन अबव अर्थ इक्वेटर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 35.786 किलोमीटर। ये इन्होंने एक्सेप्ट किया 35,786, जिसको आप तकरीबन 36,000 भी कह सकते हैं, 36,000 किलोमीटर भी कह सकते हैं। अराउंड अबाउट जब हम राउंड करेंगे ना फिगर, तो फिर वो आ जाता है 36,000 किलोमीटर या फिर आप 22,236 माइल। ये माइल जो है डिस्प्लेट हो गया है, ये एम आई डी है, ये पूरा माइल है। Rate of fall around the earth is about the same as earth's rotation, which allows the satellite to stay above the same spot on earth almost constantly. Now
या मैं कहीं भी जा रहे हैं तो उसके ऊपर होती है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर सर मौसम होता है, वो वहाँ की सर्दी होती है, एरिया की कमी, तो वो पोलर ऑर्बिट की तरफ होती है, तो जो है वो आपको सर्टिफिकेट करके फिर भी नजर आएंगी वो यहाँ के मौसम, यहाँ के कमी में क्या तूफान का क्या मेरा क्या हुआ, मौसम कैसा रहा, उसी मुताबिक आपको नॉलेज देती रहेंगी या फिर बाहर का मुशाहिदा करते रहेंगे। तो ये तरह के लिए रोज डार्क सर्वे का अर्थ कोल्ड टू कोल्ड सो डार्क कवरेज होम से थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ को एग्जाम्पल ऑफ पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट वेदर सैटेलाइट और वेदर सैटेलाइट भी आपको यहाँ पे नजर आएगी। ये सैटेलाइट आप देख रहे हैं लेकिन सैटेलाइट और इसमें ये जो चीज आपको नजर आ रही होती है ये सोलर पैनल होते हैं और ये ऊपर सैटेलाइट तो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, सभी इसके ऊपर इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, इसके सेंसर होते हैं, इसमें जो पार्ट्स हैं वो आपको बताया कि मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जिसमें कैमरा सर्विस होते हैं, जिसमें स्कैनर होते हैं, क्योंकि नॉलेज के हिसाब से होता है कि हम उनसे काम क्या ले रहे हैं, आया वो जो है हमने कहा कितने जो होते हैं वो रखे होते हैं, ये उनके ऊपर मनस है कि हम उनसे क्या काम ले रहे हैं। व्हाट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन? सैटेलाइट कम्युनिकेशन दरअसल होती क्या है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज अ मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज ऑर्बिट अराउंड द अर्थ वॉचिंग द इंग्लिश प्रीमियर लीग एवरी वीकेंड विद योर फ्रेंड्स वुड हैव बीन इम्पॉसिबल विदाउट दिस। द कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट दैट ट्रांसमिट्स द सिग्नल ट्रांसपोंडर बाय क्रिएटिंग अ चैनल बिटवीन द ट्रांसमिटर एंड द रिसीवर लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशंस ऑन द अर्थ टेलीफोन रेडियो ट्रांसमिशन इंटरनेट एंड टेलीफोनी एप्लीकेशंस यूज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। बिलीव इट ऑर नॉट More than 2,000 artificial satellites are hovering around in space right above your eyes. इतनी है? More than 2,000 satellites. मतलब एक कंट्री की नहीं और एक कंट्री की कभी होगी तो कितनी कितनी सैटेलाइट जो है वो भेज रही होगी वहाँ पर, तो कितने कितने कॉन्स्टिलेशन जो है वो भी प्रेजेंट होंगे, तो इतनी सैटेलाइट मौजूद है जो आपके लिए तमाम आसानियाँ काम करती हैं। मौजूद है, ठीक है? तो अब जीपीएस
कौन सा है, कौन मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो कुरान शरीफ से तो है जो है नेट पे वैसे